से हो, आप सभी होपफुली स्वस्थ मस्त घर में होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए गाइस, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्लीज गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है मैं 10 वर्षों से सोशल वर्कर हूं, अपना निजी लगाती हूं, किसी एनजीओ से नहीं जुड़ी हुई हूं। मेरा नारा ही यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ। और गाइस, सोशल वर्क जो है 10 वर्षों से कर रही हूं, मेरे यहां निशुल्क क्लासेस चल रही सारी। प्लीज आप इन लड़कियों को जो है आत्मनिर्भर बनाने में, जरूरतमंदों की हेल्प करने में मुझे सपोर्ट दीजिए। और बैंक की डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने बैंक की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में जोड़ी है। तो चलिए इंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को आगे। तो जैसा कि वीडियो शूट करा था मैंने दूसरे चैनल का, सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी का, तब मेरे राजमा की सिटी आ रही थी, आपने सभी ने सुना था। और 5-6 वीडियो मैंने शूट करे हैं, यहाँ राजमा रात को ही गला दिया था, आपको बता दिया मैंने। और ये थोड़ी सी मसूर की दाल मिलाई है मैंने, दाल नहीं सॉरी साबुत मसूर छिलके वाला, क्योंकि मसूर मेरे बच्चों का फेवरेट है, तो थोड़ा मिला दिया, तो इससे क्या ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और हल्दी नमक डाल के मैंने उबलने के लिए, सिटी लेने के लिए रख दिया मैंने राजमा और साबुत मसूर। इधर मैंने अरबी डाली है और आलू डाला है, आलू कमी था मेरे पास तो 2 ही डाला है मैंने, और बस उसको भी मैंने नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया है। और उसके बाद भी मैंने वीडियो शूट करे थे, आपने देखे ही थे। और सुबह सुबह ही करने होते हैं गाइस, सुबह सुबह जो है मौसम भी अच्छा होता है और माइंड भी फ्रेश होता है, फटाफट वीडियो शूट हो जाते हैं। दिन में फिर नहीं हो पाते हैं, मैं टीवी भी देखती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, और भी कई काम है वो करती हूँ, और मेरे छोटे मोटे काम, घर का काम, पढ़ाई जो है गाइस, नींद भी आ जाती है कभी कभी। ये देखिए उबल गए राजमा और वो, और इधर मैंने चौक लगा दिया था जैसा कि आपने देखा है, सिंपल चौक लगाया, सरसों का तेल डाल के, राई जीरा डाल के, और हींग डाला है, और उसके बाद में टमाटर में हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल दिया। आप इसमें तेज पत्ता बड़ी इलायची सब कुछ डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला, सिंपल राजमा बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बनाने की, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा नानी के वहाँ जाने के लिए जिद कर रहा है, नानी के जाना है नानी के जाना है, छोटा वाला भी जिद कर रहा है, दोनों जने बोल रहे हैं स्कूटी से नानी के यहाँ जाएँ, तो स्वामी जी ने अभी मना कर दिया, अकेले नहीं बैठ सकते ना गाइस, तो बस तो वो नानी के हाथ का ही राजमा खाते हैं। और मैं साल भर 1.5-2 साल में राजमा बनाया है मैंने, मैं राजमा बहुत कम बनाती हूँ, छोले में डाल देती हूँ 1-2 मुट्ठी राजमा, बाकी ये अलग से राजमा मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी जैसा टेस्ट मेरे हाथों में नहीं आता है। और बच्चों ने भी खा के, खाने के बाद भी एडिटिंग बाद में होती है ना गाइस, ब्लॉग पहले ही ये बन जाता है, सब शूट हो जाता है, तो खाने के बाद ही मैंने आपको बताया है कि बच्चों को वो टेस्ट नहीं आया जो मम्मी के हाथों में आता है। बस फिर राजमा उनको डाल दिया था और उबलने रख दिया था। इधर सरसों के तेल में मैंने जीरा और राई डाला है, हींग डाला है, और लौकी डाल दी है, आलू डाल दिया है। और मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जियां अलग अलग तरीके से मैं बनाना बताती हूँ, और हमेशा नई लेके आती हूँ, चाहे वो सिंपल लौकी ही हो चाहे सिंपल दाल ही हो, मैं अलग अलग तरीके से बनाना बताती हूँ गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। और बस फिर लौकी और आलू थोड़ा सा गल गया, आलू आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट मेरे छोटे वाले बेटे को आलू पसंद है, एक ही था तो मैंने डाल दिया, क्योंकि सूखे तो थोड़ी सी हो जाएगी। और देखिए आलू पक रहा है, इसमें हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल दिया फिर मैंने, और आलू पक रहा है, यानी सब्ज़ी हमारी हो गई। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसको और पकाऊंगी, ताकि ये लचीली हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि मैंने पानी पहले नहीं मिलाया था। बस राजमा भी मेरा हो गया, उसको ढक के रख दिया मैंने, और लौकी भी मेरी हो रही है। इधर मैंने आलू फोड़ लिया, एक ही आलू था, ये देखिए आलू फोड़ लिया, और जो है अरबी काट ली छील के, और अरबी आप छोटे बड़े कैसे भी आकार में काट सकते हो। और ये बता रही हूँ कि अजवाइन से अरबी का चोखा लगता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी सब्जियाँ अलग अलग चीज़ों से छोटी जाती है, कई पंच फोड़न से, कई सौंफ से, और मेथी दाने से, तो अरबी हमारी जो है अजवाइन से छुटती है। तो बस अरबी और हींग डाल दी मैंने, और हींग और अजवाइन डाल दी, और अब मैंने अरबी और आलू डाल दिया। अब इसको चला लिया, ये देखिए, और अब इसमें हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल देंगे, ये डाल दिया मैंने, इसकी क्वांटिटी आप घड़ा घटा बढ़ा सकते हो। और गाइस आप इसमें पिसा हुआ प्याज या कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची सब कुछ डाल सकते हो।
और ये बाहर से आवाज़ आ रही है गैस सड़क के उधर से, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। और ये देखिए अरबी हमारी बन गई है, अच्छे से हिलाएंगे। आप इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। कई जने सब्जी को गीली बनाते हैं, बट गीली सब्जी हमें पसंद नहीं आती क्योंकि वो लार छोड़ती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हमें, तो सूख आती है गीली सब्जी से। अपना अपना टेस्ट है, कोई कैसे खाता है कोई कैसे खाता है, बट हम सूखी ही खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारी अरबी बन के तैयार हो गई, कितना अच्छा कलर आया देखिए। और बस तो हम ये इधर लौकी की सब्जी चेक कर रही हूँ कि देखिए पानी छोड़ दिया है, ये देखिए नीचे पानी जो ऊपर थाली में रखा था वो नीचे आ जाता है भाप बन का, और तेल छोड़ दिया है इसमें सब्जी ने। देखिए ये कट रहा है आलू हमारा बहुत आसानी से, तो सब्जी हमारी बन गई। तो चलिए पापा जी की थाली सर्व करते हैं, फटाफट चपातियाँ बनाते हैं और पापा जी की थाली सर्व करूँगी। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सबसे पहले पापा जी की थाली सर्व करती हूँ। मेरे बच्चे हैं ना कभी कभी भूखे होते हैं, वो बोलते हैं मम्मी पहले हमको दे दो ना खाना, मम्मी हमको दे दो ना, तो मैं मना कर देती हूँ, नहीं बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहले है ना पापा जी की थाली सर्व कर दूँ उसके बाद में। स्वामी जी भी बोलते हैं, बोले मुझे भूख लग रही है पहले मुझे दे दे, नहीं फिर मैंने कहा नहीं पहले पापा जी की थाली सर्व करूँगी। तो बस ये मेरा नियम है शादी से अब तक का, बूढ़े बच्चे बराबर होते हैं बट मैं पहले बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए सबसे पहले उनकी थाली परोसती हूँ। तो यहाँ छाछ दे दिया और रोटी और राजमा की सब्जी थोड़ी कमी थी है क्योंकि पापा जी लिक्विड वाली सब्जी कम खाते हैं, और फिर उन्होंने राजमा की सब्जी आधी वापस नीचे भिजवा भी दी थी गाइस, क्योंकि वो लिक्विड वाली सब्जी कम खाते हैं, सूखी ज़्यादा खाते हैं, चाहे उनके दांत नहीं हैं लेकिन उनको जो है सूखी सब्जी में ही टेस्ट आता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था कि है ना पापा जी सूखी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो ये अरबी की सब्जी, लौकी और राजमा और चपाती आ जाइए, आप भी खाना खा लीजिए। और एक आज बहुत बड़ी घटना हो गई गाइस, ये स्वामी जी एक है ना मेरे लिए पॉन्ड्स की शीशी लाए थे, और बहुत महंगी आती है ये, और बहुत मन से लाए थे, वो कभी भी मुंह के लगाने की क्रीम कभी भी नहीं लाते हैं, और ये मेरे लिए लेके आए थे वो, और वो मेरे हाथ से फिसल के टूट के गिर गई, क्योंकि मैं मुंह के नहीं लगाती हूँ, तो मैं ये शीशी पीछे रखी हुई थी ड्रेसिंग में, तो मैं इसको आगे रख रही थी कि ये स्वामी जी लगा लिया करेंगे, मैं तो लगाती नहीं हूँ चेहरे पे, आपको पता है मैं सर्दी में केवल खोपड़े का तेल लगाती हूँ मुँह के, बट वो प्यार से ले आए थे, पॉन्ड्स की थी ये, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, और बहुत महंगी आती है ये, करीबन 550 की आती है। तो बस मुझसे टूट गई वो, और मुझे डर लग रहा है कि स्वामी जी बड़े प्यार से लेके आए थे, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, और बिना कहे लेके आए थे, सरप्राइज़ दिया था मुझे वो पॉन्ड्स की वाइट, वो नाम याद नहीं मुझे गाइस, इससे है ना स्किन वाइट होती, बहुत महंगी आती है, और फर्स्ट टाइम लेके आए थे, तो फर्स्ट टाइम दिया हुआ गिफ्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब शायद स्वामी जी मुझे लड़ेंगे और मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये छोटी सी क्लिप है स्वामी जी पंखे उनके साफ कर रहे थे उसकी, क्योंकि स्वामी जी बहुत सारे काम करते हैं मेरे, दूसरे वाले चैनल के लिए भी करें, तो आप विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पे सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी को सपोर्ट कीजिएगा, सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी के नाम से चैनल है, उसको सपोर्ट कीजिएगा। तो 4-5 वीडियो मेरे शूट हो गए, दोनों मोबाइल में कराए क्योंकि गाइस फिर मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है अगर एक में करती हूँ, क्योंकि सोशल वर्कर वाला जो चैनल है ना वो मेरे इस मोबाइल में, और जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ ना उसमें जो इंडियन यूट्यूबर मधुबाला स्वामी जो डेली ब्लॉग डालती हूँ वो वाला चैनल है। तो चलिए अब खाना बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, ये कानों पे निकालूंगी मैं वापस सोने के पहनूंगी, और चलिए चलते हैं रसोई में। रसोई में मैंने जो खाना मेरा जो आज बन रहा है वो रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में डालूंगी, और अभी वाले में जो है आपको वीडियो ही देखने को मिलेगा, तो आप देखिएगा क्योंकि उसमें कई जनों के मैंने नाम लिए हैं। और यहाँ पर कुकर हो गया मेरा, अरबी उबाली थी और राजमा बना रही हूँ, लेकिन उसकी रेसिपी मैं अगले वाले जो है ब्लॉग में बताऊंगी। कुकर को खोल रही हूँ, राजमा हो गया कि नहीं हो गया चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए हो गया, अरबी भी देख लेते हैं आपको दिखाई देती हूँ, देखिए बर्तन मेरे मज गए हैं, मेरे बेटा जमाएगा बर्तन, मैं नहीं जमाऊंगी। तो चलिए ये बर्तन है पानी में भर लिया, चलिए आरों का झाड़ू लग गई, वो
पोछा दिन में लगाएंगे और अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो चलिए मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये अगले वाले में जोड़ूंगी मैं, बताइएगा गाइस कैसी लग रही हूँ मैं। मतलब सुथरे वाला डाला है, कानों के वही पुराने पहने, नए मंगाऊंगी, मुझे जल गई हूँ गाइस मैं। देखिए कैसी लग रही हूँ बताइएगा। अभी 2-3 वीडियो शूट करे हैं और बस अब खाना बनाऊंगी, क्योंकि 10:15 बज गए हैं, सुबह का टाइम है ये, और 10:15 बज गए हैं, अब खाना बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। और डायरी में लिखा था मैंने, तब नाम लिए हैं, आप सभी को सपोर्ट कीजिए गाइस, मुझे भी सपोर्ट कीजिए प्लीज मेरे चैनल को। और आपको बैंक की डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा गाइस। चलिए चलते हैं किचन।